अगली खबर में बात करते हैं भोजपुर की, जहां जिले के गढ़हनी प्रखंड के गढ़हनी थाना क्षेत्र के रामडीहरा गांव के समीप शुक्रवार को ब्रेक फेल हो जाने से अनियंत्रित होकर सवारी से भरी एक ऑटो पलट गई। हादसे में ऑटो पर सवार चालक समेत 10 लोग जख्मी हो गए। इसके बाद जख्मियों में 4 लोग को इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज कराया जा रहा है, जबकि जख्मियों में 4 का गढ़हनी पीएससी एवं 2 का निजी इलाज कराया जा रहा है। जानकारी के अनुसार जख्मियों में आयर थाना क्षेत्र के इचरी ही गांव निवासी राम बाबू राम, उनकी पत्नी कुसुम देवी, उसी गांव के निवासी विघुनाथ शर्मा की 60 वर्षीय पत्नी लाल मुनि देवी व सत्यनारायण राम की 50 वर्षीय पत्नी कलामती देवी एवं चालक समेत 5 अन्य शामिल है। इधर राम बाबू राम ने बताया कि वे सभी ऑटो पर सवार होकर गढ़हनी बाजार की आ रहे थे। उसके बाद वहां से सभी लोग अलग अलग गांव पर जाने वाले थे। उसी दौरान रामडीहरा मोड़ के समीप अचानक ऑटो का ब्रेक फेल हो गया और ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे ऑटो पर सवार चालक समेत सभी लोग जख्मी हो गए। इसके बाद जख्मियों में राम बाबू और उनकी पत्नी कुसुम देवी, लालमणि देवी एवं कलामती देवी को इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज कराया जा रहा है, जबकि जख्मियों में 4 लोगों का गढ़हनी एवं 2 का निजी अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है।